দেশ জুড়ে তীব্র নিন্দা, বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদে ঝড় উঠেছে মনীষা বাল্মীকির হত্যাকাণ্ড নিয়ে। আর এই হত্যাকাণ্ডে এখনো পর্যন্ত কোনো ফল পাওয়া যায়নি। আর এই অমানবিক হত্যাকাণ্ডে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ ক্ষুব্ধ। এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে শহর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদে ঝড়, বিক্ষোভ। এই ধর্ষণের ঘটনার পর থেকেই যোগীর পুলিশ প্রশাসনের ওপর দোষারোপ করছে বিরোধী দল সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাই গরিব নিরীহ মেয়ের প্রতি কুরুচিকর অন্যায়ের প্রতিবাদে কলকাতার ভবানীপুর থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করা হলো। বিক্ষোভ মিছিল করলেন রিয়েল হিউম্যান মল্লিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। পুরুষ মহিলা উভয়ে প্রায় 200 জন এই বিক্ষোভে সামিল হন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রিয়েল হিউম্যান মল্লিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জোয়ালা মল্লিক, সেক্রেটারি বিরজু মল্লিক, চেয়ারম্যান সন্তোষ শর্মা, এছাড়াও বীরু মল্লিক, সাগর মল্লিক সহ অন্যান্যরা। এদের যোগী প্রশাসনের ওপর একটাই দাবি যে এই অন্যায় যারা করেছে তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া হোক, ফাঁসি দেওয়া হোক। কে সঙ্গ উত্তরপ্রদেশ মে জিস তরহ দর্দনায়ক ঘটনা उत्तर प्रदेश के द्वारा वहाँ पे नागरिकों के द्वारा किया गया, उसके विरोध में हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। हमारे संघ में हमारे दलित समाज के सभी, मल्लिक समाज के सभी सदस्य हैं और सभी समाज के व्यक्ति लोग यहाँ उपस्थित हैं। विशेष करके जिन्होंने आज ये कार्यक्रम के लिए उद्योग लिया है, ज्वाला है, बिरजू है, हमारे जॉनी भाई है, हैप्पी भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये उत्साह से ये सोचा है कि देश की जिस तरह से अविचार हो रहा है, हमारी बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके निर्दयता के साथ रीढ़ के हड्डी, गर्दन और जीभ काट के अभी तक न्याय का विरोध, हम अभी तक न्याय का कोई विचार नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग अपने आप पथ रास्ता पे निकले हैं। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से हाजरा मोड़ की तरफ जाएंगे और हमारे साथ में संपूर्ण हमारी माँ बहनें सभी इसके लिए सुविचार के दावा करते हुए योगी सरकार से हम लोग गुजारिश करेंगे कि हमारी जो बहन मनीषा वाल्मीकि को सुविचार मिले। एकदम हम लोग के मांग, हम लोग के संस्था के ओर से सब समय दावी रहेगा कि जब तक दोषी को सजा नहीं मिलता है हम लोग ऐसे ही अब राजपथ पर निकल के दोषी को फांसी की सजा का मांग करते रहेंगे। हम लोग हमेशा करते रहेंगे। हम लोग हमेशा अपने अपने संगठन के ओर से, कुछ संगठन ने हमने पहले भी किया है, आज हम लोग भी कर रहे हैं और हमेशा हम लोग ममता बंदोपाध्याय जी को भी जनाया है कि इस तरह से ममता बनर्जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी का हम लोग को मदद लगेगा वो करेंगी और हम लोग के साथ में है। और ये जो आज के जो मिचिल, आज के ये जो सभा यहाँ पर आयोजित हुआ है, सारे भाई हमारे जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, भाई बहन सब माताएं, तो ये सब हमारे जो बहन एक मनीषा वाल्मीकि की मौत के उपलक्ष्य में हम लोग जो आज ये सभा को आयोजन किए हैं, ये सभा को हम लोग हाजरा मोड़ तक ले जाएंगे शांतिपूर्वक। और हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से तो ये गुजारिश करेंगे कि जो इसमें दोषी है उसको फांसी की सज़ा हो। और यही बोलते हुए मैं वक्त से इसका, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 80-90 साल पहले भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी समाज में हो रही गलत चीज़ों के खिलाफ, तो आज फिर हम लोग एक बार, वो हमारे आइडियल हैं, आज हमें आज आवाज़ उठानी है समाज में हो रही है गलत कामों के अगेंस्ट। हमारा ये एजिटेशन, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती हमारा ये एजिटेशन शांतिपूर्वक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आज हम लोगों ने इस रैली को निकाला है यहाँ से हाजरा मोड़ तक की। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी वाला कांड जो हुआ है, हार्दस कांड, जिसके वजह से आज हम लोग ये रैली को निकाल रहे हैं। और हमें मांग है कि उन चारों अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए उन सभी को। जैसे कि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार हादस कांड के जैसा इतना हजारों कांड हो रही है, रेप के कांड हो रही है। हम चाहेंगे सरकार से कि इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करता हूँ कि वो ये बात को अच्छा से रख कर और ध्यान से रख कर, जैसे कि हम मनीषा वाल्मीकि, सिर्फ एक मनीषा वाल्मीकि नहीं है, सैकड़ों कितने लड़कियों की बलात्कार हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आगे ये ना हो, इसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि आगे कोई करने के आगे डरे ये चीज़ को। मैं यही बोलकर अपने बात को, हम बस यही चाहते हैं कि अगर हमारे संविधान में संशोधन का कोई भी, किसी भी प्रकार का अगर हमारे पास कार्य हो सकता है अगर संशोधन का, तो हम ये अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करें और जितने भी रेपिस्ट, जो भी बलात्कार हमारे देश में होते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा
के रूप में उन लोगों का सज़ा देना चाहिए। और ये मनीषा के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ और सिर्फ रेप के बारे में है, बल्कि उसमें जातिवाद भी देखा गया है, क्योंकि वो छोटी जाति की लड़की थी और सभी लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से नॉर्मली रेप होता है, लेकिन वो लड़की तो अपने खेत में काम कर रही थी और उसने सीधी सी बात है सलवार ही पहनी थी। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहने तो बस उसी का रेप होता है। तो हमको ये लगता है कि समाज को भी ये विचार बदलना चाहिए और जो भी उस लड़की के साथ वो बहुत ज़्यादा दुखद है। मानवता जो है आज हमारे साथ सोसाइटी में है ही नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस बात पर भी ध्यान दें कि हम लोगों को संविधान के साथ साथ हमारी सोच को भी बदलना चाहिए। थैंक यू। हमारी मांग बस यही है कि जल्द से जल्द जो भी है अक्यूज उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और हाथरस में कुछ दिनों पहले बहुत ही शर्मनाक घटना घटा है, उसी के प्रोटेस्ट में आज हम लोग सब, हमारी बहनें, हमारे भाई सबको आज हम लोग रास्ता में उतरे हैं। मैं यही चाहता हूं कि आदित्य योगी जी से कि कोई सख्त कानून वहां बनाए और 4 लोगों को जल्द से जल्द कोई फांसी की सज़ा दे, हमारा यही मांग है। और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सख्त कानून बनाए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ हम लोग ये घटना सुन ही रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ये नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा एक कानून बनाए कि लोग इससे डरे, और हमारा यही मांग है कि उस लड़की को न्याय मिले, हमारा यही मांग है। हमारे जेटा होई चाहिए यूपी ते जे रेपटा होई चे इटा खाली एक टा मेड जोन्नो आज के इटा ना आज के अनेक मेडी एजेंस्टा होई चे तो तार एगेंस्ट जे रेपिस्ट देर के थाना है जेले बस ओइटू खानी। हमरा चाहिए जे रेपिस्ट जे आछे जेई होक रेपिस्ट देर के एकटाई सजा सुनाना चाहिए जे ओइटा होक फांसी। और मैं यह बोलना चाहूँगा कि अभी जो हुआ है ये घटना ये नहीं, आगे भी अगर कोई घटना घटता है तो उसको भी फांसी का सजा ही सुनाया जाए, क्योंकि लड़की किसी का भी हो सकता है। आज माँ है, बहन है, वो लड़की भी अपना बहन का तरह ही है, माँ भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसका लिए ये नहीं कि केस चलता रहे, बिल बढ़ता रहे, वैसा करके तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो जो रेपिस्ट है उसको सज़ा है फांसी, इस लोग का यही सज़ा है। कैमरा सद्दाम हुसैन संगे शौकत अली, रिपोर्ट 24 आवर्स टीवी।